Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture. So before I start the lecture, let's just review the last lecture. Last time we started talking about Bayes-Fuller agents, the micro agent model. तो micro agent model में हम ये देख रहे थे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो कौन कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकती हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फाइनली थोड़ा सा Bayes-Fuller एजेंट्स का रिपीट कर देता हूँ कि हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज बॉटम ऑफ द पिरामिड को एक्सेस करना चाहती हैं मार्केट को, एंड Bayes-Fuller एजेंट्स में वो लोग हैं जो ऑलरेडी उनके कुछ कस्टमर्स होते हैं, ऐसे लोग जो उनको एनजीओज के थ्रू मिलते हैं ऐसे इलाकों में जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के इलाके हैं, वहाँ पे इन लोगों को यूज़ करते हुए उनको ये अपना एजेंट बना लेते हैं, और जब भी उनके एजेंट बन जाते हैं तो वो अपने नेबरहुड में, अपनी सराउंडिंग्स में इनकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने नेबरहुड में जो जितने भी लोग होते हैं उनको. सो व्हाट वी सॉ इज़ दैट दिस इज़ अ गुड वे जिसे पेनिट्रेट किया जा सकता है उन इलाकों में जहाँ पे आपको कोई और पार्टनर, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को पार्टनरशिप के लिए नहीं मिल रहा, और वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं. तो यू हैव टू यूज़ Bayes-Fuller एजेंट्स इन दैट काइंड ऑफ एरिया. So that's where we so that can be used in those areas. लेकिन हमें देखा है कि जो इसकी कॉस्ट होती हैं वो अगर पार्टनरशिप कर ली जाए माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के साथ तो जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेकिन Bayes-Fuller एजेंट्स के केस में जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज यू हैव टू एम्प्लॉय दिस पीपल और एम्प्लॉय करना पड़ता है लोगों को. लेकिन हमने ये देखा है कि जिन जगहों पे हमारे पास माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं हैं या कोई ऐसा पार्टनर अवेलेबल नहीं है जिसके साथ पार्टनरशिप करके आप उनको माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, तो देन दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन वी हैव. After that we started to talk about models of financing including finance. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि बैंक्स अगर माइक्रो फाइनेंसिंग में आते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उनके क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, एंड हाउ कैन बैंक्स यूटिलाइज देयर कंपैरेटिव एडवांटेजेस टू गेट द बेस्ट ऑफ दिस मार्केट. सो हमने रिटेलर्स के लिए भी देखा है कि उनके क्या फ़ायदे हैं और हाउ कैन दे मेक यूज़ ऑफ दिस मार्केट. फाइनली वी सॉ इंश्योरेंस कंपनीज के हाउ इंश्योरेंस कंपनीज कैन यूज़ दिस मार्केट्स. सो ये तीन तो हम देख चुके हैं, लेकिन हमने फिर उसके बाद देखा अगर आप इन तीनों में से एक भी नहीं है और आप अगर माइक्रो फाइनेंसिंग में आना चाहते हैं, के लिए काम करना चाहते हैं, व्हाट कैन यू डू. सो देन वी सॉ के यू कैन फाइनेंस दिस इंस्टीट्यूशंस, एंड देन वी सॉ सम हिस्ट्री. वी सॉ के जो फाइनेंसिंग थी इन इंस्टीट्यूशंस की विच वॉज शुरू में इनको फाइनेंसिंग की बड़ी मुश्किल थी. 1980s में जो लोन्स इनको मिलना बहुत मुश्किल हुआ करते थे, 1 या 2 मिलियन डॉलर का लोन भी मिलना बहुत मुश्किल था, और उसके लिए गारंटीज़ जो बैंक्स मांगते थे वो भी बहुत ज़्यादा होती थी. सो इसीलिए उस वक्त इतनी आसानी से ये इतना सेक्टर ग्रो नहीं कर सका, लेकिन दिस वाज अ वेरी रिजिलेंट सेक्टर. इन्होंने इनोवेशंस की और कॉन्स्टेंटली काम किया, एंड अब हम देख रहे हैं कि जो इनको फाइनेंसिंग के नंबर्स हैं वो बिलियंस में जा चुके हैं. लास्ट जो हमने नंबर देखा 2007 में 5.4 टू 5 बिलियन डॉलर्स इन इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे हैं, और जो हम फ्यूचर में प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि दिस इज़ अ साउंड इंडस्ट्री, और इसके अंदर अब इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर में नंबर दिए हैं कि जो ग्रोथ रेट्स हैं, अगर ग्रोथ 15 to 30% रहेगा तो फ्यूचर में 2.5 टू 5 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर इनको चाहिए होंगे अगर वो अपने लोन पोर्टफोलियो में इस इंक्रीज़ को सस्टेन करना चाहते हैं. सो बहुत पॉजिटिव आउटलुक्स अभी आ रही हैं. इंटरनेशनल एरिना में अगर आप बात करते हैं तो वॉल स्ट्रीट के जो चैम्पियंस हैं लाइक मॉर्गन स्टैनली एंड ऑल, वो अब एनालिसिस कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का, इनके आउटलुक्स में बात कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं. दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज वंस दे वर जस्ट लाइक आउटकास्ट्स, और इनको उनके ऊपर अगर कोई इनके साथ अगर कोई काम सोचा जाता था दैट वॉज जस्ट फिलानथ्रोपी, चैरिटी एंड डोनेशंस, बट नाउ दे आर इन द मेन स्ट्रीम. They have become the talk of the town, and that is just possible because of the resilience of the sector, and that tells us about the potential in the BOP market, and that tells us about innovation के वहाँ जहाँ पे governments fail हो गई थी वहाँ पे private sector ने कैसे आके improve किया उन सब चीज़ों को और इम्प्रूव किया, एंड और इनोवेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, और ये ऐसा बेरगेज नहीं है कि फेलियर्स नहीं आए, फेलियर्स आए, बट पीपल लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड अगेन रीड ऑल द स्टफ एंड दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल. सो लेट मूव फॉरवर्ड टू टुडेज लेक्चर. Today we will continue models of financing, inclusive finance. So we were last time हम देख रहे थे supply and demand dynamics से जो financing के. By 2007 total international investment in microfinance topped 5.4 billion, a dramatic increase in only 3 years. Much of the increase come from private investors, both institutional and individual. So हमने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि 2007 तक जो टोटल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस में थी वो उसने टॉप किया एट अबाउट 5.4 बिलियन डॉलर्स. दैट वाज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन ओनली 3 years. 3 सालों में इतना बड़ा ड्रामेटिक इंक्रीज आया. मच ऑफ द इंक्रीज केम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स. जितना ये जो इसका जो इंक्रीज थी इसमें से एक बड़ा नंबर प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से आया, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे और इंडिविजुअल्स भी थे. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मुराद है पेंशन फंड्स, हैं आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जिस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोफेशनली पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो 5.4 बिलियन डॉलर्स का एक बड़ा पार्ट जो हमारे पास आया वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से आया, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी थे. While many of these new investors were attracted by the social impact of microfinance, others sought solely commercial returns. So हमने देखा है कि जो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे वो they were attracted, वो attracted थे social impact की वजह से. आप अगर देख रहे होंगे कि मैं जब आपसे बार बार ये बात करता हूँ कि फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाउंडेशन से निकल के मिनिस्ट्री में आ चुका है, तो मेरा कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो एस्पेक्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए. मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कंबाइन हो गए अब कमर्शियल एक्टिविटी के साथ, और अब वो इन्वेस्टर भी हमारे पास मौजूद हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माइंड से आता है, जो सोशल इम्पैक्ट की वजह से आता है, और उसके अलावा अब हमारे पास एडिशनल वो लोग आ चुके हैं जो प्रॉफिट्स के लिए आ रहे हैं. सो हमारी जो मार्केट जो हमारी फाइनेंसिंग का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है बिकॉज ऑफ बोथ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स. सो नाउ वी हैव बोथ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, बट इफ वी टॉक अबाउट 15 ईयर्स अगो वी ओनली हैड वन काइंड ऑफ इन्वेस्टर एंड दैट वाज सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर, बट नाउ वी हैव बोथ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स. सो हम बात करते हैं. वेल मेनी ऑफ दीज न्यू इन्वेस्टर्स वर अट्रैक्टेड बाय सोशल इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस. कि जो इन्वेस्टर जो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मैं आपसे बात करूं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने आके ह्यूज चंक 5.4 बिलियन का एक बड़ा पार्ट जो इन्वेस्ट किया, जो इसमें कब से इन्वेस्टर्स थे वो इसमें आए बिकॉज ऑफ इसमें से कुछ इन्वेस्टर्स जो आए वो सोशल इम्पैक्ट की वजह से आए एंड अदर सॉर्ट सोली कमर्शियल रिटर्न. सो अब यहाँ पे देखें जो पहले सिर्फ एक इन्वेस्टर था अब उससे ज़्यादा इन्वेस्टर हो गए बिकॉज अब वो वाले इन्वेस्टर भी हैं जो कमर्शियल रिटर्न चाहते हैं. अमंग द इन्वेस्टर्स इन माइक्रो फाइनेंस आर राइट. सो अब हम देखते हैं कि कौन से किस किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस में, उनकी क्या खसूसियात हैं, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम. अमंग द इन्वेस्टर्स इन माइक्रो फाइनेंस आर द रिच, ऑब्वियसली तो जो बहुत अमीर लोग हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स, many looking to combine social and financial returns. So they can do both. Amir log hain, they always have a social side because they have a lot of money. So jo high net individuals hain aur private banking clients hain, many looking to combine social and financial returns, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं. सो आपने देखा होगा अक्सर जो बहुत अमीर लोग होते हैं फिर वो ज़्यादातर चैरिटीज़ एंड डोनेशन की तरफ चले जाते हैं. बिल गेट्स की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, हाउ ही सेटअप इज मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, और कैसे वो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में काम करें. पहले वो मलेरिया के बारे में काफ़ी काम किया एंड उसके अलावा फिर वो सैनिटेशन में, और ख़ास अभी पिछले अरसे में उन्होंने टॉयलेट्स, स्पेशल टॉयलेट्स डिज़ाइन किए करवाए थे कैलटेक से, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जिसके बिकॉज ये सैनिटेशन के इश्यूज़ बहुत होते हैं जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह सही नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने इस पे काफ़ी पैसा खर्च किया और एक मॉडल वो बनाया और मेरे ख्याल में वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया में ऐसी जगहों पे. सो हाई नेट इंडिविजुअल्स के पास एक ऑप्शन है और अक्सर वो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सोशल रिटर्न भी मिलते हैं. ऑब्वियसली सोशल उनको जो वो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी होती है और फाइनेंशियल रिटर्न भी उनको हासिल होते हैं. उसके बाद ordinary people are also investors in microfinance. Retail ordinary people में retail investors accessing such vehicles as Oikocredit, a European fund, and Kiva, an internet-based social investment vehicle. Most of these investors are strongly socially motivated, and some treat their investments as a charitable activity. So उसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में. मिडिल क्लास के लोग जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेसिंग सच व्हीकल्स एज Oikocredit, यूरोपियन फंड. जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसी सर्विसेज को एक्सेस करें लाइक Oikocredit एक यूरोपियन फंड है, एंड Kiva एन इंटरनेट बेस्ड सोशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल. ये इंटरनेट बेस्ड एक सोशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं और ये आगे फिर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टर्स आर स्ट्रांगली सोशली मोटिवेटेड. जो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर स्ट्रांगली सोशली मोटिवेटेड एंड सम ट्रीट द इन्वेस्टमेंट्स एज चैरिटेबल एक्टिविटी. एंड में से कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को एज चैरिटेबल एक्टिविटी कंसिडर करते हैं. राइट, सो दीज आर द टू फैक्शंस. अब थर्ड पे आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सबसे पहले देखा हमने हाई नेट पीपल, हाई नेट वर्थ पीपल. सेकंड हमने देखा ऑर्डिनरी पीपल. उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डिनरी पीपल थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स वो इन्वेस्ट करते हैं. फाइनली नहीं, अभी और भी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन तीसरा जो हम देख रहे हैं, थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइक सच एज TRF are bound by prudential rules that restrict them to top quality investments. For microfinance, attracting investors like these represents a major threshold cost. So, देखें institutional investors ने भी पैसा अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में. सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हमने आपको बताया था कि जो बड़े ऐसे फंड्स जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो लोगों का पैसा उनके पास होता है, जो वो मैनेज कर रहे होते हैं, इसमें पेंशन फंड्स, ऑब्वियसली पेंशन फंड्स बहुत बड़े होते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी अपना पे करते रहते हैं बिकॉज दे नीड अ पेंशन. सो वो पैसा जब इकट्ठा होता है तो पेंशन फंड्स के पास होता है और वो इसको इन्वेस्ट करते हैं. हमने देखा कि पेंशन फंड्स मोस्टली जो है वो मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो मोस्टली इन्वेस्ट करती हैं बॉन्ड्स में. इसलिए दैट्स अनदर डिस्कशन, इसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइक सच एज TRF are bound by prudential rules that restricts them to top quality investments. Obviously pension funds लोगों का पैसा होता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी लोगों का पैसा होता है, एंड इसके अलावा TRF है, इनका भी काफ़ी हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पर फोकस होता है. सो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के मुताबिक इन्हें सिर्फ टॉप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त होती है बिकॉज दे आर मैनेजिंग पीपल्स मनी, एंड वो किसी बैड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और उनके लिए बड़ा मुश्किल है उसको जस्टिफाई करना बिकॉज उनका अपना पैसा नहीं होता, लोगों का पैसा वो मैनेज कर रहे होते हैं. सो अब इन्होंने भी माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. सो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस. अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स लाइक दीज रिप्रेजेंट्स अ मेजर थ्रेशोल्ड क्रॉस. इसका मतलब है कि दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सी माइक्रो फाइनेंस एज अ हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट. अगर वो इसको क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ना समझते होते तो दे वुड नेवर हैव इन्वेस्टेड इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. सो दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस, एंड दैट माइक्रो फाइनेंसिंग ने एक इतना बड़ा थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, एंड दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री. राइट, उसके अलावा हमारे पास कुछ रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स. वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें समझते हैं कि उन्हें फ्यूचर में काफ़ी हाई रिटर्न मिलेगा. एंड हेज फंड्स बेसिकली ऐसे फंड्स होते हैं जो विच रिक्वायर हाई रिटर्न. वो ऐसे हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं. हेज से मुराद ये होता है कि जिसमें रिस्क हेज हो, लेकिन हेज फंड्स की एज सच उससे एग्जाम्पल ये नहीं है. हेज फंड सिर्फ ये होते हैं कि दे आर ये कोशिश करते हैं कि रेगुलेशन आर्बिट्राजेस का फ़ायदा उठाया जाए, और बेसिकली देयर फोकस इज़ टू मच ऑन फाइंडिंग प्रॉफिट्स, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. So but if you want details on hedge funds you can obviously Google them. लेकिन अब जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं कि इनका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो ज़्यादा होता है. ये ज़्यादा रिस्की एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर हाई रिटर्न्स, वेरी हाई रिटर्न्स. सो अगर हेज फंड्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी माइक्रो फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई रिटर्न्स फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स. so that is good कि ऐसे लोग भी इतना ज़्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि देर इज़ नो, और ये ऑब्वियसली हेज फंड्स आर इक्विप्ड विद वेरी एबल पीपल. वेंचर कैपिटलिस्ट में भी इनके पास काफ़ी पैसा होता है, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग भी होते हैं. तो अगर वो इनमें अब इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली इनकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में दे विल कैप्चर, दे विल मेक हाई रिटर्न, अदरवाइज दे वुड नेवर इन्वेस्ट इन दीज माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. राइट. उसके अलावा banks with liquidity to place, especially banks with developing nation operations. So banks इनके पास liquidity होती हैं, वो भी micro financing institutions में इन्वेस्ट करते हैं, especially banks with developing nation operations. जो banks developing nation में काम कर रहे हैं वो especially इनमें काम करते हैं. इसके अलावा sovereign wealth funds हैं, particularly from non-OECD countries with excess liquidity. सो हम इसमें बात करते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स ये होते हैं कि जो एक मुल्क अपना एक फ़ंड बना लेता है, फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं. आजकल हम बात करते हैं तो चाइना के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बनाए हुए, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों में. उसके अलावा मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो उनके भी जो मुल्क हैं ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी पैसा है जो ऑयल से उनके पास आया है, तो दे हैव मेड सॉवरेन वेल्थ फंड्स. कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड इज क्वाइट फेमस. सो ये लोग जो होते हैं ये भी उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होते हैं, ये भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में. राइट. सो इफ वी सी देयर इज अ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल लाइक द रिच, द ऑर्डिनरी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स एंड मेजर कैपिटलिस्ट, बैंक्स and then sovereign wealth funds. So इसका मतलब है कि this is just becoming mainstream. अब हर किस्म का इन्वेस्टर MFI में इन्वेस्ट कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किस्म का इन्वेस्टर है उसको ये मार्केट अट्रैक्ट करके. इट इज़ अट्रैक्टिंग ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड इट इज़ बिकमिंग अ जनरली एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट क्लास. Each of these investor types needs investment vehicles fitted to their special characteristics. So इनमें से जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो उनके स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हो. एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम माइक्रो प्लेस लेवरेजेस ईबे टेक्नोलॉजी टू लोअर द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग टाइनी ट्रांजैक्शंस, मेकिंग इट पॉसिबल टू वर्क विद $500 इन्वेस्टमेंट्स. सो एक एंड पे अगर हम देखते हैं तो माइक्रो प्लेस आती है जो ईबे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कॉस्ट को लोअर करती है ताकि बहुत स्मॉल ट्रांजेक्शन्स को सर्व किया जाए, जिससे पॉसिबल हो सकता है टू वर्क विद $500 इन्वेस्टमेंट. इवन $500 से भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. और अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं, वेंचर कैपिटल फर्म लाइक सिक्विया हैज़ द स्किल्स एंड रिस्क एपेटाइट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन MFI इक्विटी एज इट डिड इन SKS, अ पावर हाउस MFI इन इंडिया. और दूसरे एंड पे हम देखते हैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, कैपिटल है, रिस्क एपेटाइट है टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन MFI इक्विटी, कि वो MFI इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें. जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने SKS में इन्वेस्ट किया जो कि एक पावर हाउस MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में. बट मेनी ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन माइक्रो फाइनेंस आर बेस्ड इन यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका. सो जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं और हेज फंड्स हैं और आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनमें से ऑर्डिनरी पीपल भी, मेनी ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन माइक्रो फाइनेंस, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस में, दे आर बेस्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका. वो यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड हैं. बट लोकल इन्वेस्टर्स मैटर टू. ऑल्दो कैपिटल मार्केट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफन शैलो, लोकल इन्वेस्टर्स वर्क इन द सेम करेंसी एज MFI they invest in, avoiding foreign exchange risks that hits MFI borrowing in hard currency. Right. So इसके मतलब नहीं है कि local investor को matter नहीं करता. Local investors matter too. Although capital markets in developing countries are often shallow, local investors work in the same currency as MFI they invest in, avoiding the foreign exchange risk that hits MFI borrowing in hard countries. So देखें इसमें होता है कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो काफ़ी शैलो होती हैं, इतनी फंक्शनल नहीं होती. लोकल इन्वेस्टर जो वर्क इन द सेम करेंसी एज MFI, लोकल इन्वेस्टर उसी करेंसी में काम कर रहा होता है जिसमें MFI जिस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, अवॉइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क दैट हिट MFI बोरिंग इन हार्ड करेंसी. सो इससे वो अवॉइड हो जाता है रिस्क कि MFI के लिए रिस्क वो वाला अवॉइड हो जाता है कि अगर MFI हार्ड करेंसी में बोरो करती है और तो उसके ज़्यादा रिस्क. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू यू. कि अब एमएफआई के पास दो ऑप्शन हैं। अगर लोकल बॉर्डर से वो पैसा लेगी, हम बात करते हैं कि एक एमएफआई अगर पाकिस्तान की कोई माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन उसके पास ये है कि वो लोकल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ले ले, पाकिस्तानी रुपीज़ में कुछ बॉरो कर ले, ओके बॉरो कर ले, जो भी फाइनेंसिंग वो दे रहे हैं वो उसे मिल गई। और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो बाहर का कोई इन्वेस्टर है जिससे वो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट ले ले, तो ठीक है वो उनको डॉलर्स प्रोवाइड कर देंगे। अब पाकिस्तान अगर वो अब डॉलर में जो इन्वेस्टमेंट लेने की वजह से डॉलर में अगर वो लोन लेते हैं तो उसकी वजह से उनका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ जाता है। वो ऐसे आता है कि जो उनको ऑब्वियसली जो लोन के ऊपर रिटर्न्स मिलने वो उनको पाकिस्तानी करेंसी में मिलेंगे। पाकिस्तान में अगर वो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन लोगों को आगे देंगे तो जो लोग हैं ऑब्वियसली वो डॉलर्स में तो वापस नहीं करेंगे, वो पाकिस्तानी करेंसी में पैसे कमाते हैं, वो पाकिस्तानी करेंसी में पैसे वापस करेंगे। लेकिन अगर इस दौरान एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है, अगर उनको जो जब उनने बॉर्विंग की थी तो डॉलर 100 पे था, अगर जब उन्हें पैसे रिटर्न करने तो डॉलर 110 पे चला जाता है, तो पाकिस्तानी रुपये से दोबारा उसको बाई करेंगे डॉलर को, तो वो तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है और इवन हमारा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बैंकक्रप्ट भी हो सकता है अगर एक्सचेंज रेट इसमें काफ़ी चेंजिंग हो जाए। तो ये रिस्क खत्म हो जाता है अगर हमने लोकल इन्वेस्टर से पैसे लिए, बिकॉज हमने उसको अगर इवन हमारी करेंसी डिप्रिशिएट भी हो जाती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने उसको डॉलर्स में तो पैसे वापस नहीं करने, हमने उसको लोकल करेंसी में ही पैसे वापस करने। So this is a very prudent financial rule. अब इसको हमेशा याद रखें। Here I would like to share a very good example of this with you. देखें अब जब भी फाइनेंसिंग हासिल करें तो आप अपनी करेंसी में हासिल करें। दिस इज़ अ जनरल फाइनेंस रूल। कोशिश आपकी हमेशा होनी चाहिए कि आपकी आप उसी करेंसी में आपको फाइनेंसिंग मिले जिसमें आपके रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसमें एग्जांपल है एक इंडोनेशिया की एग्जांपल में 98 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे पहले की एग्जांपल है। वहाँ पे एक कंपनी थी स्टडी से, वो एक टैक्सी कंपनी थी जो इंडोनेशिया में जकार्ता में टैक्सीज प्रोवाइड करते थे एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल कंपनी। उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी एंड दे वेंट टू देयर इन्वेस्टमेंट बैंकर और उनसे उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट बैंकर ने कैलकुलेशन उन्होंने बताया कि अगर आपको इंडोनेशिया की करेंसी में आपको अगर फाइनेंसिंग चाहिए तो आपको वो इस रेट पे मिलेगी, अगर आपको डॉलर पे चाहिए तो इस रेट पे मिलेगी। जो डॉलर पे फाइनेंसिंग रेट था वो कम था मलेशियन करेंसी से, सो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि इस पे जो आपको रेट मिल रहा है वो कम है, सो आप एक काम करेंगे आप डॉलर में फाइनेंसिंग हासिल कर लें। रॉन्ग मूव। सो उन्होंने डॉलर में फाइनेंसिंग ले ली और उसके बाद हुआ ये कि कुछ अर्से बाद जो इंडोनेशियन करेंसी थी वो 70% डिप्रिशिएट हो गई। अब प्रॉब्लम ये था कि अब उनको जो भी प्रॉफिट्स मिलते थे ऑब्वियसली जो मलेशिया में लोग इंडोनेशिया में लोग टैक्सीज यूज़ करेंगे वो इंडोनेशियन करेंसी में उनको पैसे देंगे और वो तो 80% डिप्रिशिएट हो गई है, लेकिन डॉलर अब इतना जो एक्सपेंसिव हो चुका है वो अब कैसे उसको पैसे वापस करेंगे। इससे उसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी बैंकक्रप्ट होगी। उसकी वजह से एक और अच्छी चीज़ हुई कि कंपनी खुद तो बैंकक्रप्ट हुई, उन्होंने वो अपने बैंक को भी साथ लेके डूबी। बैंक इसलिए साथ डूबा कि बैंक ने उस लोन को अंडरराइट किया हुआ था कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बैंक विल पे अप और बैंक सम परसेंटेज बैंक को पे करनी पड़ी और बैंक भी बैंकक्रप्ट हो गया और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, व्हेनेवर यू हैव टू टेक फाइनेंसिंग टेक दैट इन योर ओन करेंसी। आपका एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो जाता है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स ले लेते हैं तो उससे भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बट दैट इज़ अ रिस्क, तो दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड आई वोंट गो इन द डिटेल ऑफ दैट हियर। राइट, सो उसके अलावा हमने पहली चीज़ देखी कि अगर आप लोकल इन्वेस्टर से फाइनेंसिंग लेते हैं तो उसका आपको फ़ायदा है क्योंकि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क खत्म हो जाता है। सेकंड, दे अंडरस्टैंड द मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड हैव फर्स्ट एंड एक्सपोजर टू एमएफआई। उसके अलावा वो अंडरस्टैंड करते होते हैं जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट है, उनको उसके बारे में पता होता है एंड हैव फर्स्ट एंड एक्सपोजर टू एमएफआई और उनका जो एक्सपोजर होता है वो भी फर्स्ट एंड होता है। एक्सपोजर एमएफआई उसके काम के बारे में पता है, उसको काफ़ी तरह से जानते हैं। For these reasons, they are the most suitable investors in the long run, and their importance will rise as the markets in countries like India, Brazil, and Mexico deepens. So, in reasons की वजह से, they are the most suitable investors in the long run में ये सबसे ज़्यादा suitable investors हैं, and their importance will rise as the market in countries like India, Brazil, and Mexico deepens. And और इनकी जो importance है वो increase होगी, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जब मार्केट्स इंडिया में, ब्राज़ील में और मेक्सिको में वो डीप हो जाएंगी, तो जो इन मुल्कों के अंदर उनके लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। One final group of investors who fund MFIs is depositors. राइट सो हमने डिपोजिटर्स के बारे में बात नहीं की थी पहले, लेकिन एक फाइनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जो फंड करता है MFIs को डिपोजिटर्स हैं. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल डिपोजिटर्स एज कोर फंडर्स एज वेल एज द इम्पोर्टेंस फॉर लो इनकम पीपल ऑफ एक्सेस टू सेविंग सर्विसेज. राइट सो इसके अलावा डिपोजिटर्स भी होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल डिपोजिटर्स एज कोर फंडर्स. इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट लोकल डिपॉजिटर्स हैं होते हैं एज कोर फंडर्स एज वेल एज द इम्पोर्टेंस फॉर लो इनकम पीपल ऑफ एक्सेस टू सेविंग सर्विसेज. और ये भी पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है लो इनकम पीपल की कि उन्हें एक्सेस हो सेविंग सर्विसेज की. राइट सो हमने अभी देखा है कि दीज वर द सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स. वो हम काफ़ी अब डिटेल में देख चुके हैं कि हमारा इन्वेस्टर जो सप्लाई है जो डिमांड है वो क्या. डिमांड तो हमने पहले देखी है अभी कि अभी MFIs में को कितनी रिक्वायरमेंट है जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि कितनी रिक्वायरमेंट है और वो कैसे अचीव हो रही है, कहाँ से उनके पास फाइनेंसिंग आ रही है. और उस पर हम सप्लाई में देखा कि कौन कौन से हमारे लोग हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में, जिसमें डिटेल में देखा जिसमें रिच पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट से लेकर हर किस्म का इन्वेस्टर है. और फाइनली हमने देखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर है वो वो लोकल इन्वेस्टर होता है. लोकल इन्वेस्टर में हमने देखा है कि लोकल करेंसी में आपने लोन लिया हुआ है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क खत्म हो जाता है. एंड फाइनली जो लोकल इन्वेस्टर होता है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है. माइक्रो फाइनेंसिंग की जो इंस्टीट्यूशन की वर्किंग का फ़ायदा हो रहा था उसके अपने मुल्क को हो रहा था, अपने लोगों को हो रहा होता है. सो सबसे बेस्ट यही है कि आपके अगर लोकल फंडिंग मिल जाए. और हमने देखा है कि लोकल डिपॉजिटर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो अब हम देखते हैं कि सप्लाई डिमांड्स में क्या चेंज हुआ है, व्हाट हैज़ चेंज. अब अगर कोई चेंज आई है तो क्या आई है. The Gates Foundation has made saving services the cornerstone of its financial inclusion strategy. हमें बिल गेट्स की एग्जाम्पल आपसे दिया था तो आई गए. The Gates Foundation has made saving services the cornerstone of its financial inclusion strategy. Gates Foundation ने saving services पे बहुत फोकस किया है. It has made it a cornerstone of its financial inclusion strategy. Investors have a responsibility to ensure that their funds end up as part of diversified MFI balance sheet that includes plenty of savings where permitted. Investors have a responsibility to ensure that their funds end up as part of diversified MFI balance sheet that includes plenty of savings where permitted. So, investors की responsibility है कि वो इंश्योर करें कि जो उनके पैसा है वो डाइवर्सिफाइड MFIs में जाए, ऐसे MFIs में जाए जिनकी बैलेंस शीट पे काफ़ी सारी सेविंग्स भी हों जहाँ पे परमिटेड है. ऐसा कुछ ये ना हो कि सिर्फ एक ही सोर्स से उनको फंडिंग मिल रही है, उनके पास सेविंग्स बिल्कुल नहीं. लेकिन वेयर परमिटेड अगेन है कि जो पे जहाँ पे परमिटेड नहीं है तो वहाँ पे दीज इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट. व्हाट हैज़ चेंज ओवर द लास्ट 10 ईयर्स टू मेक माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टेबल. राइट, दिस इज द क्वेश्चन कि हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में ऐसी क्या चेंजिंग आई है जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस अब इन्वेस्टेबल हो चुका है, जो कि पहले अगर आप देखते हैं तो नहीं था. पहले फंडिंग बहुत मुश्किल थी और लोग बड़े स्केप्टिकल थे. बट नाउ दे आर एम्ब्रेसिंग इट विद ओपन आर्म्स. ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, बेशक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी हों, लेकिन सब लोग इसमें इन्वेस्ट करें. सो व्हाट हैज़ चेंज ओवर द लास्ट 10 ईयर्स टू मेक माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टेबल. सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या चेंज किया हुआ पिछले 10 साल में कि माइक्रो फाइनेंस अब इन्वेस्टेबल बन गया. सम चेंजेस हैव लिटिल टू डू विद माइक्रो फाइनेंस एंड एवरीथिंग टू डू विद फेवरेबल मार्केट कंडीशंस. राइट, सो हम कुछ चेंजेस की जो बात करते हैं, कुछ चेंजेस का माइक्रो फाइनेंस से कुछ तल्लुक नहीं है और सिर्फ वो फेवरेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से पॉसिबल हो सका है. सो वी विल डिस्कस मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स है. हम बात करते हैं अंटिल लेट 2008 मार्केट्स वर लिक्विड एंड लुकिंग फॉर गुड प्लेसेस टू इन्वेस्ट. एट द सेम टाइम इमर्जिंग एंड इवन सम फ्रंटियर मार्केट्स वर गेनिंग द डेप्थ एंड स्टेबिलिटी टू मेक देम अट्रैक्टिव व्हाइल न्यू मैकेनिज्म्स मेड इट ईजियर टू इन्वेस्ट अक्रॉस बॉर्डर्स. सो इसमें बात करते हैं लेट 2008 के आखिर तक, जब तक हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया था, मार्केट्स वर लिक्विड एंड लुकिंग फॉर गुड प्लेसेस टू इन्वेस्ट. मार्केट्स लिक्विड थी और ऑब्वियसली उस टाइम बहुत पैसा था मार्केट्स के अंदर, लिक्विड थी और वो इस तलाश में थे कि अच्छी जगह मिले जहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, अच्छी एसेट क्लास मिले जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। एट द सेम टाइम इमर्जिंग एंड ईवर सम फ्रंटियर मार्केट्स वर गेनिंग द डेप्थ एंड स्टेबिलिटी टू मेक देम अट्रैक्टिव। अब ये लोग ढूंढ रहे थे इस अपॉर्चुनिटी को और साथ ही क्या हो रहा था एट द सेम टाइम कि साथ ही इमर्जिंग मार्केट और सम फ्रंटियर मार्केट्स में जो मार्केट्स थी उनको डेप्थ और स्टेबिलिटी मिल रही थी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव हुई, लिक्विडिटी थी और इमर्जिंग मार्केट और फ्रंटियर मार्केट की जो मार्केट थी वहाँ पे उनको डेप्थ मिल रही थी और स्टेबिलिटी मिल रही थी। वाइल न्यू मैकेनिज्म्स मेड इट ईजी टू इन्वेस्ट अक्रॉस बॉर्डर्स। उसके अलावा अक्रॉस बॉर्डर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी वो आसान, उसमें काफ़ी आसानी हुई। अब अगर आप देखें इसके अब हम बार बार ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि अब कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे अब बड़े इंक्रीज़ हो गए हैं और बहुत यूज़फुल हो गए हैं। पहले शायद ऐसा नहीं था। 80s के एंड में कम्युनिकेशन चैनल्स की सिचुएशन बिल्कुल अच्छी तो नहीं कहा, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। 90s में ग्रेजुअली अब कम्युनिकेशन चैनल्स पे इम्प्रूव होना शुरू हुए और सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आई कम्युनिकेशन चैनल्स में वो 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेकेड में आई है। सो दिस इज़ नो सरप्राइज़ कि इसी टाइम में सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंसिंग को फंडिंग मिली है। The microfinance sector, at least its more advanced portions, was ready to accept this increased interest. So ये भी देखते हैं कि जो microfinance sector था, at least its more advanced portion, जिसके most advanced portion थे, was ready to accept this increased interest. So इस increased interest जो इसके अंदर लिया जा रहा था, उसके लिए ready था. The leading MFIs grew to a size sufficient to absorb the amounts investors wanted to place, while at the same time lengthening their track records of stable profitability. So जो leading MFIs थे, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस थे, वो उनका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि वो सारा कैपिटल अब्जॉर्ब कर सके जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है while at the same time lengthening their track records of stable profitability, उसके साथ ही उन्होंने अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको लेंथन किया स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक रिकॉर्ड को। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आपके इन्वेस्टर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो उसी बेसिस पे वो डिसीजन करते हैं कि दिस इज़ स्टेबल इंस्टीट्यूशन विच इज़ गिविंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स एंड द आउटलुक इज़ गुड लुकिंग गुड और उसके अगर उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्टेबल हैं तो तब उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सो पहली बात यह है कि जो MFIs हैं वो इतने ग्रो हो गए कि इन्वेस्टर जितना इन्वेस्ट करना चाहते थे वो उस सारे कैपिटल को ऑब्जॉर्व कर सकें। एंड सेकेंड, उन्होंने लेंथन किया अपने ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी को, जिसकी वजह से ट्रस्ट में और इंक्रीज देखने में आया। मोर MFIs बिकम रेगुलेटेड और जो काफ़ी MFIs रेगुलेटेड हुए, कमिंग अंडर द स्क्रूटनी ऑफ बैंकिंग अथॉरिटीज़ रिक्वायर्ड देम टू मीट प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब वो रेगुलेटेड हुए तो वो बैंकिंग अथॉरिटीज़ की स्क्रूटनी के अंडर आए, जिसने रिक्वायर किया कि वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो कैपिटल एडिक्वेसी के उनके पास एडिक्वेट कैपिटल मौजूद हो ताकि इन केस ऑफ लॉसेज वो बेयर कर सकें और उस क्राइसिस से आगे भी बढ़ सकें। एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो ताकि सबको पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो ये रेगुलेशन के आने की वजह से ये चेंजिंग आई। द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल MFI इज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी स्क्रूटनी। जो क्वालिटी थी और अवेलेबिलिटी थी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अवेलेबिलिटी थी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन की जो आ रही थी इंडिविजुअल MFI से, वो बहुत इम्प्रूव हुई। Today, information on MFIs is much better than it was 10 years ago, which is to say it is more complete, more verifiable, audited or rated, and more in line with the financial indicators used by private sector investors. So what we see today? आज जो हम देखते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑन MFIs इज़ मच बेटर दैन इट वॉज 10 years ago। MFIs के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आज बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर, अगर उसको कंपेयर किया जाए 10 साल पहले से। विच इज़ टू से इट इज़ मोर कम्प्लीट। अब ये इन्फॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल है MFIs के बारे में वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। मोर वेरीफाइबल, ऑडिटेड और रेटेड। अब वो वेरीफाइबल भी हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स उनके हैं और रेटेड भी हैं, and are more in line with the financial indicators used by private sector investors। और ये अब ज़्यादा इन लाइन है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं, सॉरी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टर्स, वो सारे अवेलेबल हैं, वो वेरीफाइबल हैं, वो कंप्लीट हैं। सो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन इनको दरकार है वो अगर रिलायबल है, कंप्लीट है और वो उस इन लाइन है कि जो उनको रिक्वायर्ड है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब चीज़ों को, तो ऑब्वियसली उनको इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट पर इंक्रीज होगा और वो ज़्यादा आसानी से इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दैट्स व्हाट हैपेंड। द सेक्टर एज अ होल इज डेवलपिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लोअर रिस्क देन कॉमनली एक्सपेक्टेड and a lower correlation with other asset classes, right? So again, some financial terms here. जो सेक्टर है as a whole, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है वही है कि वो लो रिस्क देन कॉमनली, जितना कॉमनली एक्सपेक्टेड रिस्क है उससे लो रिस्क के लिए ये एस्पायर करते हैं और लो रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना कॉमनली एक्सपेक्टेड उससे लो रिस्क एंड लोअर कोरिलेशन विद अदर एसेट क्लासेस, एंड इनकी जो कोरिलेशन है वो अदर एसेट क्लासेस से कम है, लोअर कोरिलेशन। देखें अगर कोई भी अगर कोरिलेशन कम है, लोअर कोरिलेशन, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज एन अट्रैक्टिव एसेट क्लास, बिकॉज आपको पता है कि जब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं तो वी नीड एसेट्स जिनकी कोरिलेशन बाकी एसेट्स के साथ कम हो। अगर उनको हम ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में तो हमारे एसेट्स, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। सो अगेन सबसे पहले ये लो रिस्क देन कॉमनली एक्सपेक्टेड का ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसके साथ ही जो उनकी कोरिलेशन है वो अदर एसेट क्लासेस के साथ कम है। सो दीज आर बोथ द थिंग्स विच इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर एंड दे आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग। सो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग दिस ह्यूज सम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। फाइनली, एज इन्वेस्टर्स एंटर द मार्केट एंड एक्सपेरिमेंट, द मार्केट इटसेल्फ हैज ग्रोन मोर सोफिस्टिकेटेड। इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स of different stripes. Exit options, once nearly non-existent, are starting to emerge. So अब देखिए, finally as investors enter the market and experiment, जब इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है और एक्सपेरिमेंट करता है तो मार्केट इटसेल्फ हैज ग्रोन मोर सोफिस्टिकेटेड। जैसे जैसे उन्हें आके मार्केट में इन्वेस्टर्स आए और एक्सपेरिमेंट किए, मार्केट इटसेल्फ और सोफिस्टिकेटेड हुई। इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब डिफरेंट किस्म के इन्वेस्टर्स के लिए जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे वो भी बनना शुरू हो गए। एग्जिट ऑप्शंस वंस नियरली नॉन एग्जिस्टेंट आर स्टार्टिंग टू इमर्ज। अब यह कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है और बाद में उसको एग्जिट ऑप्शन चाहिए होती है निकलने के लिए, तो वो भी अब जो पहले नॉन एग्जिस्टेंट हुआ करती थी, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी, और स्टार्टिंग टू इमर्ज, अब वो भी नजर आना शुरू हो गई। इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, डील्स ड्राइव चेंज। Each new deal takes market one step further and enlarges the realm of possibility for other deals. So investment world में कहा जाता है कि जो deals होती हैं वो drive करती हैं change को। जो भी नई deal होती है वो market को एक step आगे लेके जाती है और जो वो बड़ा करती है जो possibilities होती हैं, जो possibilities का एक realm होता है, possibilities का एक realm होता है, उसको बड़ी डील्स इंक्रीज करती हैं। इन दिस सेक्शन ऑफ द कोर्स ऑन मॉडल्स फॉर एंटरिंग इंक्लूसिव फाइनेंस, वी ऑर्गेनाइज आवर डिस्कशन अराउंड डील्स फीचरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे, इन दिस सेक्शन ऑफ द कोर्स जो है मॉडल्स ऑफ एंटरिंग इंक्लूसिव फाइनेंस, वी ऑर्गेनाइज आवर डिस्कशन अराउंड डील्स फीचरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करेंगे अराउंड डील्स, ऐसी डील्स जो फीचर करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर इन्वेस्टर्स बट द मॉडल्स ऑफ द बैंक डाउन स्केलिंग और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर फॉर डायरेक्ट लेंडर्स, द मीन्स टू कनेक्ट टू इंक्लूसिव फाइनेंस। अच्छा, ये जो डील्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये वैसे ही हैं जिस तरह मॉडल्स ऑफ डाउन स्केलिंग हमने देखे हैं या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग के मॉडल देखे हैं जो डायरेक्ट लेंडर्स के लिए जिस तरह से ये एक्सेस करने के लिए बड़े इम्पोर्टेंट थे। जो ये आपने देखा है कि जो डायरेक्ट लेंडर्स थे, जो बैंक्स हैं, उनके लिए बैंक डाउन स्केलिंग मॉडल और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल्स बड़े सक्सेसफुल साबित हुए। उसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके बारे में हम बात करने लगे, ये इन्वेस्टर्स के लिए उसी तरह हैं जिस तरह से वो उन्होंने एक्सेस लेके दी इनको उन क्लाइंट्स तक, ये एक्सेस दे रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग तक, इंक्लूसिंग फाइनेंस की उन इन्वेस्टर्स को। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम डेट डील्स की तरफ आते हैं। डेट डील्स, वी कैन रिगार्ड डेट एज द इन्वेस्टर्स एंट्री स्ट्रेटजी। Private investors have been far quicker to adopt debt to microfinance institutions than to take on equity stakes. Right, so सबसे पहले हम debt के बारे में बात करते हैं। आपको debt का वो पता है कि debt is an instrument, जो अगर debt कोई देता है तो obviously उसकी जो assurances होती हैं वापस होने की वजह ज़्यादा होती हैं। इन केस और डिफ़ॉल्ट सबसे पहले डेट होल्डर्स को पैसा वापस मिलता है, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि एक रेगुलर जो डेट पे जो आपको इंटरेस्ट है वो रेगुलर पेमेंट्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यू कैन, अगर आपको डेट पेमेंट नहीं मिलती तो यू कैन ऑफिशियली आस्क फॉर द कंपनी टू बी वाइंड अप एंड गेट पेड द मनी। सो डेट में जो इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। सो इसलिए हम देखते हैं वी कैन रिगार्ड डेट एज एन इन्वेस्टर्स एंट्री स्ट्रेटजी। हम डेट को इन्वेस्टर की एंट्री स्ट्रेटजी की तरह भी देख सकते हैं, बिकॉज डेट जो होता है ये सेफ होता है इन्वेस्टर के लिए। तो पहले इन्वेस्टर मोस्टली डेट डील्स करते हैं ताकि जिसमें उनके लिए प्रोटेक्शन ज़्यादा है, और जब आहिस्ता सा उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो एक्विटी की तरफ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैव बीन फार क्विकर टू प्रोवाइड डेट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देन टू टेक ऑन इक्विटी स्टेक्स। सो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो डेट प्रोवाइड करने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो गए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देन टू टेक ऑन इक्विटी स्टेक्स एज कम्पेयर टू इक्विटी स्टेक्स, बिकॉज देखिए इक्विटी के साथ रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। You are master's graduate student, so you must be aware of what's the difference between debt and equity. So I won't go into the detail of that. Non-profit MFIs that cannot take deposits depend heavily on debt for lending capital, and deposit-taking microfinance banks need debt for growth, longer-term funding, and liability diversification. Right. So. अब हमने ये तो देखा कि इन्वेस्टर्स के लिए जो डेट है वो सेफ़ होता है, इसलिए वो इसको प्रेफर करते हैं। तो जो डेट यूज़ करते हैं नॉन प्रॉफिट एमएफआईज़, वो किस लिए यूज़ करते हैं? सो देखते हैं, नॉन प्रॉफिट एमएफआईज़ दैट कैन नॉट टेक डिपॉजिट्स, वो वाले एमएफआईज़ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, वो डिपेंड करते हैं हैवीली, दे डिपेंड हैवीली ऑन डेट फॉर लैंडिंग कैपिटल। वो डेट के ऊपर हैवीली डिपेंड करते हैं फॉर लैंडिंग कैपिटल, बिकॉज अगर उनको डेट नहीं मिलेगा तो वो क्या लैंड करेंगे? फाइनेंसिंग ही डेट है, इसलिए कि वो डिपॉजिट तो ले ही नहीं सकते। सो बिकॉज दे कैन नॉट टेक डिपॉजिट, सो वो डेट हासिल करते हैं और उसके बाद उसको आगे डेट उनकी लाइबिलिटी होती है, फिर वो आगे उसको आगे लोन दे देते हैं। वो उनका एसेट्स होते हैं, उनसे जब उनको पेमेंट्स मिलती हैं तो वो अपने डेट को रिटर्न करते हैं। दैट्स द बिजनेस मॉडल। एंड डिपॉजिट टेकिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक्स नीड डेट फॉर ग्रोथ। जो डिपॉजिट टेकिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनको डेट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, लॉन्गर टर्म फंडिंग, और उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, लॉन्गर टर्म फंडिंग के लिए चाहिए होता है। देखें, बिकॉज जो आपके डिपॉजिट होते हैं दैट्स वेरी शॉर्ट टर्म फंडिंग, इट इज़ ऑन डिमांड, कभी भी वापस ले सकते हैं लोग। लेकिन अगर आपको लॉन्गर टर्म फंडिंग चाहिए, और डेट काफ़ी दफ़ा आपको लॉन्ग टर्म मिलता भी, लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स 10 ईयर्स का भी मिल सकता है, आप लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए दैन डेट इज़ अट्रैक्टिव फॉर यू। एंड लाइबिलिटी डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके पास एक्विटी भी है, आपके पास डिपॉजिट्स भी हैं, तो आप अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। अगर कंप्लीटली एक्विटी फर्म है तो वो डेट लेगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज जो डेट के ऊपर जो डेट का जो आपने इंटरेस्ट पे करना होता है वो कम होता है, एक्विटी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेट नहीं ले सकते, बिकॉज एक्सेसिव डेट लेने से कंपनी आपकी जो भी होती है वो इनसिक्योर हो जाती है, बिकॉज ज़्यादा डेट लेने की वजह से इस चीज़ का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन केस के अगर कोई आपकी कंपनी में एक आध साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो डेट होल्डर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। So there are a lot of considerations to be made regarding this. A wide range of investors provide debt to MFIs, from ordinary people who fund Kiva and microplays to high net worth individuals to institutional investors who participate in structured finance. So ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे investors हैं वो तो काफ़ी different किस्म के investors हैं जो हमारे MFIs में invest करते हैं। a wide range of investors provide debt to MFIs. और बहुत सारे, अब पहले वो तो जो इन्वेस्टिगेशन में शुरू में बात की थी वो फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं देख जो बात कर रहा हूँ वो डेट की बात कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स जो डेट प्रोवाइड करते हैं. ए वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोवाइड डेट टू MFIs. तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डेट प्रोवाइड करते हैं MFIs को. फ्राम ऑर्डनरी पीपल हु फाउंड कीवा, फ्राम ऑर्डनरी पीपल हम देखा था कीवा जिन लोगों ने बनाया सोशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो सोशल कंपनीज में मतलब सोशल पर्पस के साथ इन्वेस्ट करते हैं. फ्राम ऑर्डनरी पीपल हु फंड कीवा एंड माइक्रो प्लेस टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. इसके अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर फाइनेंस. सो हर किस्म के लोग डेट देते हैं MFIs को. These debt instruments do range from the simple bank loans to sophisticated securitization. So ये जो debt होता है ये भी range करता है, बिल्कुल simple loans भी होते हैं से लेकर ये sophisticated securitization तक हर किस्म के loan MFIs को मिल रहे हैं. So सबसे पहले हमने देखा debt deals, उसके बाद हम bank loans की तरफ आ जाते हैं. Second is bank loan. At the start of microfinance, donors and government supplied nearly all MFI loan capital. So again हम आपने देखा था कि 70s और even 80s में सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई कर रही थी, ओनली द गवर्नमेंट डोनर्स इन द गवर्नमेंट डोनर्स जो सिर्फ डोनेशंस थी और गवर्नमेंट सप्लाइड नियरली ऑल MFI लोन कैपिटल. जितना भी लोन कैपिटल होता था वो गवर्नमेंट और डोनर्स प्रोवाइड कर रहे थे. व्हेन अ फ्यू MFIs इन लैटिन अमेरिका बिगिन टू ब्रेक इवन एंड ग्रो फास्टर देन डोनर्स कुड रिस्पॉन्ड, दे डिसाइडेड टू सीक लोन फ्रॉम लोकल बैंक्स. सो अगेन लेकिन शुरू में आपको पता है कि जो माइक्रो फाइनेंस था, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सिर्फ डोनर्स और गवर्नमेंट सप्लाई कर रही थी. नियरली ऑल ऑफ द MFI लोन, जितना भी लोन कैपिटल था वो गवर्नमेंट जो डोनर्स और गवर्नमेंट सप्लाई कर रही थी. मैंने फिर MFIs इन लैटिन अमेरिका बिगिन टू, फिर हमने देखा कि जब कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने लैटिन अमेरिका, आपने देखा होगा कि लैटिन अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बिकॉज इट्स ऑल जो ये स्टार्टिंग में देखें तो वहीं पे ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट हो रही है. सो मैंने फ्यू MFIs इन लैटिन अमेरिका बिगिन टू ब्रेक इवन. उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ MFIs जो थे वहाँ पे वो ब्रेक इवन होना शुरू हो गए, वो अपने खर्चे पूरा करना शुरू हो गए वो, एंड ग्रो फास्टर दैन डोनर्स कुड रिस्पॉन्ड. एंड वो इतना फास्ट ग्रो ने किया कि डोनर्स उनको फंडिंग प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे. दे डिसाइडेड टू सीक लोन्स फ्रॉम द बैंक. तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो दूसरी फंडिंग मार्केट्स की तरफ जाएं एंड दे डिसाइडेड टू सीक लोन्स फ्रॉम लोकल बैंक्स. तो वो लोकल बैंक्स के पास गए लोन्स लेने के लिए. दिस टर्न आउट टू बी हार्डर देन दे एक्सपेक्टेड. In 1985, ACCION International responded by creating the Latin American Bridge Fund to guarantee such loans. So, जब वो गए तो they had a very tough time. So, bank refused to give them loans and काफ़ी because आपको पता ही है, देखिए अभी भी conception जो हमारे mainstream banks हैं वो आप अगर बात करते हैं तो वो accept नहीं कर पा रहे इस reality को, लेकिन उस वक्त तो बहुत एक्सट्रीम था ये सब कुछ. सो इट टर्न आउट टू बी हार्डर देन एक्सपेक्टेड, बहुत मुश्किल साबित हुआ. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ASEAN ने, मेरा जैसा आपने पहले भी देखे, बहुत काम हुआ है. इन 1985 में ASEAN इंटरनेशनल ने रिस्पॉन्ड किया इस प्रॉब्लम को बाय क्रिएटिंग लैटिन अमेरिका ब्रिज फंड टू गारंटी सच लोन्स. उन्होंने एक फंड बनाया, उसका नाम रखा लैटिन अमेरिका ब्रिज फंड, जिसके ज़रिए उन्हें इस तरह के लोन्स को गारंटी किया. गारंटी से ये मुराद है कि उनने बैंक्स से कहा कि आप इनको लोन दें, अगर ये डिफ़ॉल्ट होते हैं तो वी विल गिव यू बैक द लोन. तो गारंटी किया इन लोन्स को एंड तब जाके इन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोन मिलना शुरू हुए. द ब्रिज फंड इज़ द फर्स्ट गो राउंड इन द स्टोरी ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग दैट रिकर्स मेनी टाइम्स एज MFIs ग्रेजुअली एंगेज द कैपिटल मार्केट्स. At first, banks were unwilling to bet on the creditworthiness of MFIs without guarantees. So, देखिए ब्रिज फंड्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन MFIs को ग्रेजुअली कैपिटल मार्केट्स के थ्रू मूव करने में और इनको ज़रा बेहतर करने में. और आपने देखा है कि एट फर्स्ट पहले बैंक्स वर अनविलिंग टू बैट ऑन द क्रेडिटवर्थिनेस ऑफ MFIs विदाउट गारंटीज. और बैंक्स बिल्कुल लोन देने के लिए तैयार नहीं थे जब तक उनको गारंटीज नहीं मिल रही थी. द पब्लिक सेक्टर US एड प्रोवाइडेड इनिशियल बैकिंग फॉर द ब्रिज फंड, बट प्राइवेट सोशली रिस्पॉन्सिबल लेंडर्स जॉइन. तो सबसे पहले यूएस एड ने इनिशियल बैकिंग प्रोवाइड की ब्रिज फंड को, लेकिन उसके साथ ही भी आहिस्ता आहिस्ता जो सोशली रिस्पॉन्सिबल लेंडर्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको ज्वाइन किया और इसको सपोर्ट किया ब्रिज फंड को. ऑल्दो मोस्ट ऑफ दीज प्राइवेट लेंडर्स वर essentially philanthropic, including foundations making program-related investments and religious orders using their retirement savings to do good. These bridge fund lenders were in fact the first private investors willing to bear credit risk in microfinance. So, अगर हम बात करते हैं जो सबसे पहले प्राइवेट लेंडर्स आए वो essentially philanthropic थे. philanthropic वो लोग होते हैं जो not for profit पैसे देते हैं, जो अच्छा काम करने के लिए पैसे दे रहे होते हैं. सो कमर्शियल टर्म्स में नहीं था, लेकिन जो पहले इन्वेस्टर्स आए थे वो सारे फिलैंथ्रोपिक थे, कमर्शियल टर्म्स में नहीं थे, इंक्लूडिंग फाउंडेशन मेकिंग प्रोग्राम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. और इनमें फाउंडेशन जैसे आपने देखा कि सिटी बैंक की फाउंडेशन है, बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन है जो चैरिटी के काम करना चाहती हैं, वो अपने प्रोग्राम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी. एंड रिलीजियस ऑर्डर्स यूजिंग देयर रिटायरमेंट सेविंग्स टू डू गुड. इसके अलावा रिलीजियस ऑर्डर्स जो मुख्तलिफ थे वो उनकी जो रिटायरमेंट सेविंग्स उनके पास थी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ताकि वो एक अच्छे काम में अपना हिस्सा डाल सकें. These bridge fund lenders were in fact the first private investors willing to bear credit risk in microfinance. ये पहले ये जो bridge fund lenders थे ये पहले private investors थे जो credit risk जिन्होंने जो willing हुए कि वो credit risk लें microfinance में. Otherwise nobody else was willing to take credit risk in the microfinance institutions. Most bridge fund backed loans were in the range of 500,000 to 2 million. An early guarantee covered 90 or 100% of capital loan. So अब देखें, हमने 1980s के एंड में पहले भी आपसे बात की थी कि तो 1 से 2 मिलियन डॉलर का लोन मिलना इतना मुश्किल था और अभी आपको 100 मिलियन का भी मिल जाता है लोन. सो इट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट. पर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? मोस्ट ब्रिज फंड बैक लोन्स वर इन द रेंज, जो ब्रिज फंड के बैक लोन्स थे वो 500,000 डॉलर से 2 मिलियन डॉलर्स के रेंज में थे. और जो शुरू में गारंटीज देते थे ब्रिज फंड वो कवर करते थे 90% टू 100% ऑफ द कैपिटल लोन. सो ऑलमोस्ट सारे का सारा लोन जो ब्रिज फंड को गारंटी करना पड़ता था तब जाके वो लोन पास होता था, अदरवाइज बैंक्स लोन नहीं देते थे. अगेन सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. ओवर टाइम बैंक्स रिड्यूस्ड द रिक्वायर्ड कवर एंड इवेंचुअली मोस्ट ब्रिज फंड MFIs graduated from guarantees. So देखें, टाइम के साथ साथ जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना जो कवर रिक्वायर्ड था उसको रिड्यूस किया और इवेंचुअली मोस्ट ब्रिज फंड MFIs ग्रेजुएटेड फ्राम गारंटी और इवेंचुअली फिर ये गारंटीज का सिलसिला ख़त्म हुआ. बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्राम द MFIs टू अचीव दिस पोजिशन. दीज MFIs now access bank loans on their own or have moved to better large scale, longer term and cheaper source of financing such as bonds. So अब देखें अब क्या सिचुएशन है. These MFIs, अब जो MFIs हैं now access bank loans on their own, अब वो खुद से बैंक लोन्स को एक्सेस करते हैं और have moved to better, या फिर वो मूव करके to better, बेहतर, larger scale, बड़े, longer term, लंबे अरसे के लिए and cheaper sources of financing such as bonds. और देखें ये बॉन्ड तो कैपिटल मार्केट्स में आपको मिलते हैं. सो शुरू में तो बैंक लोन्स भी मिलना मुश्किल थे, लेकिन अब उनको बड़ी आसानी से खुद से लोन मिल जाता है और इवन बेटर कुछ अब वो लार्जर स्केल, लॉन्गर टर्म, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिस की तरफ मूव कर गए लाइक बॉन्ड्स. आज हमने देखा है कि व्हाट वी स्टार्टेड विद द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन द माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री. उसमें देखा है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे हैं they range from high net individuals to ordinary people. उसके बाद sovereign wealth funds भी कर रहे हैं. उसके बाद हमने देखा है कि hedge fund and venture capitalists और institutional investors. So what we see is के जो supply of credit है वो अगर आप देखते हैं तो it is from a very diversified set of people. हर किस्म के लोग अब micro financing industry में invest कर रहे हैं. So हमने देखा कि इनकी तरफ से investment आ रही है. उसके बाद हमने देखा कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमने स्टार्ट में देखे, तो व्हेन दे स्टार्टेड तो शुरू में सिर्फ गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रही थी या फिर जो चैरिटीज़ डोनेशंस के तरह के लोग थे वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे. लेकिन टाइम के साथ साथ जो चेंजिंग आई वो चेंजिंग ये आई कि चेंजिंग ये आई कि लेटिन अमेरिका में कुछ जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस थे वो ब्रेक इवन हुए और वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आ गए और उसके बाद उन्हें कुछ प्रॉफिट्स मिलना शुरू हुए तो उन्हें बैंक से रब्ता करने की कोशिश की ताकि बैंक से उनको लोन्स मिल सकें, बैंक लोन्स उनको मिल सकें, बट उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ, बैंक लोन्स नहीं मिल सके। फिर आसियान ने 1995 में एक ब्रिज फंड बनाया जिसके थ्रू वो इन लोन्स को गारंटी करते थे। और शुरू में हमने देखा कि इवन आफ्टर गारंटी जो बैंक मांगते थे वो कहते थे आप 90% टू 100% लोन गारंटी करें तब जाके हम ये लोन्स देंगे, अदरवाइज वी विल नॉट गिव द लोन्स। सो दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, उनको ये करना पड़ा एंड ओनली देन द बैंक्स वर विलिंग टू गिव लोन्स। लेकिन हमने टाइम के साथ देखा है कि ये गारंटीज आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई और इन गारंटीज़ के ख़त्म होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अब इवन बेटर, अब तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कैपिटल मार्केट्स में तक एक्सेस हासिल कर चुके हैं जहाँ पे वो बॉन्ड्स भी इशू कर रहे हैं और इक्विटी भी इशू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने देखा था कि जैसा कि हमने देखा है कि अगर बैंक माइक्रो फाइनेंसिंग में आना चाहता है तो उसको पार्टनरशिप चाहिए होता है, उसको कुछ पार्टनरशिप चाहिए होते हैं जिससे उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है और वो आसानी से काम कर सकता है। हमने देखा कि अगर बैंक रिटेलर के थ्रू काम करता है तो उसका MFI इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज MFI या तो उसको फाइनेंस कर सकता है या तो उनके साथ कोई और किस्म की पार्टनरशिप करके काम कर सकता है। तो हम ये देख रहे थे कि अगर बैंक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करेगा तो उनका रिस्क कम हो जाएगा। तो इसी तरह एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिनके थ्रू वो इन्वेस्ट करेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में। तो उसके बाद हमने देखा है कि द मोस्ट प्रेफरेबल जो इंस्टीट्यूशन था इन्वेस्टर्स के लिए वो डेट था। हमने देखा कि डेट को प्रेफर किया जाता था, अब भी किया जाता है वैसे, किया जाता था माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। इन्वेस्टर्स जो थे वो डेट बड़ी आसानी से दे देते हैं और पहले भी दे देते थे MFIs के लिए। डेट देने की जो वजह वो ये थी कि डेट में जो इंश्योरेंसेज होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए वो ज़्यादा होती हैं और अगर आपका माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फेल भी हो जाता है तो इन्वेस्टर्स को ये गारंटी होती है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा। सो दैट्स वाई इन्वेस्टर्स प्रेफर टू गिव डेट। और उसमें हमने देखा कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको जो डिपॉजिट ले ही नहीं सकते ऐसा, और अगर वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते तो ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं से वो पैसा इकट्ठा करना है और उसको आगे लोन्स में देना है तभी जाके उनका बिजनेस चलेगा। दैट्स वाई समटाइम्स दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मनी फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद हमने देखा कि वो इंस्टीट्यूशंस जिनके पास जो डिपॉजिट्स, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स ले भी सकते हैं उनके लिए डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ फाइनेंसिंग, है डिपॉजिट्स, और इसलिए अगर उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, स्टेबल फाइनेंसिंग चाहिए तो वो डेट्स की तरफ मूव करते हैं। सो हमने इससे पहले एक और चीज़ आज के लेक्चर में देखी कि वाई चेंज क्या हुआ कि जो हम देख रहे हैं कि 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 1990s की बात करते हैं तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी। व्हाट चेंज जिसकी वजह से अब हम देखते हैं तो एक एसेट क्लास बन चुकी है, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, लेकिन पहले कितनी मुश्किल थी और क्या चेंज हुआ उसमें मैंने कुछ देखा। कुछ तो मार्केट लिबरलाइज हुई, ग्लोबलाइजेशन आई, उसकी वजह से बेहतरी है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से कुछ फ़ायदे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर, कम्युनिकेशंस हमारी आसान हो गई हैं। सो ये एक तो ये रीज़न है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे और रीज़न्स हैं। अगर और देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अगर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो जब माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ने कुछ परफॉर्म करना शुरू किया तो थोड़ा बहुत उसके बाद गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी आए, जो रेगुलेशन की वजह से काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि रेगुलेशन जब आया तो उसके बाद माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए की स्क्रूटनी हुई और उनके लिए लाजमी हो गया कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छे तरीके से रन करें। और उसके अलावा वो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये हुआ कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दे वर्क एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी ये पता चला कि कैसे हाउ प्रॉफिटेबल दे आर, ये सारा कैसे काम हो रहा है। उसमें हमने मेन चीज़ देखी है कि उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई जो कंप्लीट थी, ऑडिटेड थी और वेरीफाइबल थी, और जब ये और वो उस फॉर्मेट में थी जो वो अंडरस्टैंड कर सकते थे। अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन को मिलना शुरू हुई तो उन्हें पता चला कि ये जो इन्वेस्टमेंट क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसमें से रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, और ये फिर उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया। अब जब ये इन्फॉर्मेशन सब उनको मिलना शुरू होगी तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, एंड दे एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। और जब उन्हें इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक्ट करना शुरू किया तो ऑब्वियसली दे स्टार्टेड इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स, और इन्वेस्टमेंट की वजह से ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आज माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस इस मकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पे वो एक एसेट क्लास बन चुके हैं, और इनकी वजह से बिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। उसके साथ ही एक ऐसी इंडस्ट्री बनी है जो एक बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, फ्यूचर में इसका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। सो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, और हम माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में कुछ और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।